अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ बटर एंड चॉकलेट कुकीज़। उसके लिए मैंने आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल आप रूम टेम्परेचर लेना, ये 100 ग्राम बनता है। और हाफ कप मैं आइसिंग शुगर ले रही हूँ। अगर आपके पास घर की नॉर्मल चीनी है उसको आप ग्राइंड कर लें। और ये बनती है 50 ग्राम। इसको इसमें ऐड करूँगी, इसे मैं मिक्स कर लूँगी। अभी हम इसे मिक्सर मशीन के साथ मिक्स कर लेंगे। तब तक मिक्स करेंगे जब तक ये क्रीमी ना बने। शुगर और ऑयल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें मैदा डालूंगी। एक कप मैंने मैदा लिया है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हाफ कप अभी डाल के मिक्स करूंगी मैं। बाकी का हाफ कप मैं भी इसमें डालूंगी। इसे अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। हाफ टी स्पून अभी मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी और इसे हाथ के साथ मिक्स कर लूँगी। ये देखें, इस तरह की डो बननी चाहिए हमारी। अभी मैं इसे 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। 5 मिनट तक मैंने इसे अच्छे से गून लिया था और ये देखें, इस तरह से सेट कर लिया। अभी मैं इसे दरमियान से काटूँगी, इसके 2 पीस करूँगी और एक साइड को मैं दूसरे बाउल में डालूंगी। और इसमें हाफ चम्मच मैं कोको पाउडर डालूंगी। हाफ टी स्पून मैंने इसमें कोको पाउडर ऐड किया। अभी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, इसमें मैंने अच्छे से कोको पाउडर मिक्स कर लिया। इसकी भी मैंने डो बना लिया। अभी मैं कुकीज़ बनाऊंगी। मैंने अभी वनीला के 6 बॉल बनाए हैं और एक चॉकलेट का बॉल बनाया है। अभी मैं इसे आपको फ्लावर बनाना बताती हूँ। ये देखें, ये देखें, इस तरह हम इसे साइड से भी अच्छे से चिपका लेंगे। और इसी तरह मैं 3 फूल वाली कुकीज़ तैयार कर लेती हूँ। अभी हम दूसरा फूल तैयार कर लेंगे। एक फिंगर के जितना फासला रखना है। ये देखें, अभी मैंने 6 बॉल चॉकलेट के बनाए हैं और एक वनीला का। अभी ये देखें, फिर से एक फिंगर के फासले पे। और इसे इस तरह चिपका लेंगे। टूथपिक के साथ अभी मैं इसकी शेप बना लूंगी। ये देखें, इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूंगी। दो मैंने बड़े साइज के बॉल ले लिए हैं, एक वनीला का और एक चॉकलेट का। अभी मैं इसे रेक्टेंगल शेप में बनाऊंगी। अभी मैं इसे दरमियान से इन दोनों को काट लूंगी। इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगी। इस पीस को इसके ऊपर, इसको इसके ऊपर। अभी मैं कुकीज को काट लूंगी। ये देखें, इसको इस तरह प्रेस कर लूंगी। इस तरह का मैंने चॉकलेट का बॉल ले लिया और चम्मच ले लेंगे और इसके कॉर्नर से हम ऐसे शेप बना लेंगे। अभी मैंने वनीला डो का एक छोटा सा बॉल बना लिया है और इसको इसके ऊपर लगाऊंगी। और ये वाला मैंने वनीला के साथ बनाया था और इसमें चॉकलेट का बॉल लगाया था। अभी एक का मैं कॉफ़ी भी बना रही हूँ, इसका मैंने चॉकलेट बॉल ले लिया। और ये देखें, अभी मैं इसे बेक कर लूँगी।
अभी मैंने ओवन को 170 डिग्री पे 20 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया और इसको मैं बेक करूँगी 170 डिग्री पे 15 से 18 मिनट के लिए। वनीला चॉकलेट बटर कुकीज हमारे तैयार हैं। अभी हम इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडे होंगे तो हम आपको इसे डिश आउट करके दिखाएंगे। कुकीज़ हमारे ठंडे हो गए हैं, ये देखें कितने अच्छे बेक हुए हैं। अभी मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। और कुकीज़ को आप हमेशा मोटा बनाइएगा, अगर आप पतले बनाएंगे तो ये टूट भी जाएंगे और खाने में भी इतने मज़े के नहीं होते। कुकीज़ हमारे तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।